गाइस वेलकम टू श्वेता क्लासेस YouTube चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये नया चैप्टर। हम स्टार्ट कर चुके हैं मेंसुरेशन, जिसमें दो लेक्चर हो चुके हैं, यानी 11.1 हम दो लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार देख लेना, वहीं से सारे आपको फॉर्मूलेस वगैरह पता चलेंगे। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 11.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, यानी जो टेबल है और उसकी जो टॉप सरफेस है उसकी फिगर शेप कैसी है, एक ट्रेपेजियम की तरह। एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, यानी ये 1 मीटर दिख रही है आपको और ये 1.2 मीटर, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हाइट, एक सीधा अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो हमारी हाइट बन जाती है। बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, कितना है 0.8 मीटर है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया। केवल एक फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा इसके लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मतलब दोनों अपोजिट साइड्स को एड करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। लिखे 1/2 इंटू ए प्लस बी, कितना होगा 1.2, 1 प्लस 1.2 इंटू हाइट कितनी है 0.8, ठीक है। अब 1/2 इंटू, इन दोनों को जब प्लस किया तो क्या बन गया 2.2 इंटू 0.8, यहां कट कर दो 1.1, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन कर लो बस, 8 × 8 और 8 × 8, 1 के बाद यहां है और 1 के बाद ही यहां है, तो टोटल पॉइंट लगेगा 2 के बाद, और मीटर स्क्वायर आंसर में लिखेंगे जरूर, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया आपका, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ टेबल इज 0.88 मीटर स्क्वायर, क्लियर बात, चलो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखें, कुछ नहीं करना था, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या दिया हुआ, ट्रेपेजियम ये शेप है जिसका आपको एरिया दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, यानी एक दे दी है 10 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करनी है, और हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, तो 1/2 यहां रखेंगे एरिया की जगह पर, एरिया जो दे दिया हुआ है, और a प्लस 10 इंटू एच क्या है 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये 2 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे a प्लस 10, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, क्लियर। क्या आ गया, a प्लस 10 इज इक्वल टू 17, तो a इज इक्वल टू 17 − 10, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। बताइए किस किस का आंसर आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही, कि अगर एरिया दिया हो और साइड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे,
और अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेज़ियम शेप्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। यानी देखो फेंस लिखा हुआ, फेंस का मतलब ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है, समझ गया ना बात को। फेंस का मतलब ये पेरीमीटर हो गया। वो कह रहा है कि ए बी सी डी की जो टोटल लेंथ है वो 120 मीटर है, ठीक है। ए बी सी डी इज इक्वल टू 120 मीटर, बी सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये वाली साइड, बी सी इज इक्वल टू 48 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद सी डी इज इक्वल टू 17 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 17 मीटर, ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर, 40 मीटर। एरिया ऑफ द फील्ड साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल ऑफ ए डी। जो साइड ए बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर द साइड ऑफ ए डी, जो ए बी साइड है वो ए डी की परपेंडिकुलर है, यानी ये जो ए बी लाइन है ये परपेंडिकुलर है लाइन पर, ठीक है। और हमको ये नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, जो पता है उसी से काम करेंगे, जो जो दे रखा है हमने लिख लिया है ना। अब देखो फाइंड आउट करते हैं इस वाली लाइन को, क्या क्या दिया हुआ है आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू, आपने क्या निकाला है, मतलब जो फाइंड है हमको, क्या क्या फाइंड है, एडी पता है, यहां ऐसे नहीं लिखते, देखो जो नहीं पता यहां पर लिखो 120, ठीक है। यानी इन सब की जो टोटल लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 120। अब जिस जिस की लेंथ पता है लिख दो, एबी की पता है क्या, नहीं पता, तो एबी को आप एबी लिखा रहने दो। फिर किसकी पता है, बीसी की पता है, पता है भाई 48 सेंटीमीटर, सीडी की पता है, सीडी की भी पता है 17, और डीए, डीए की भी पता है 40। इन सबको प्लस करो और 120 में से माइनस, तो ए बी इज इक्वल टू 120 माइनस 8 और नहीं 8 नहीं आएगा, 8 प्लस 7 16, 8 टू 16 और ये आएगा 15, ठीक है। और 1 कैरी 8 9 और ये 10, कितना आ गया 105 आ गया। ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 15 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर है जो भी दिया हुआ उसे लिख देंगे 15 मीटर। ए बी आ गई आपकी, आपको हाइट मिल गई ना, कितनी मिल गई 15 मीटर मिल गई। अब क्या करना है, अब केवल फॉर्मूला लगाना है, लिखाओ क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, तो 1/2 ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना होता है 48 प्लस 40 बेस इनटू हाइट, बेस ये वाली लाइन और अपोजिट वाली लाइन, 40 प्लस 48 कितना हो जाएगा 88, ठीक है, इनटू हाइट कितनी निकाली हमने 15, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 44 आ गया, और अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो आंसर आपका आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या निकल कर आ रहा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें, फिर इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताओ समझ में आ रहा है सभी को, एक बार जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जब भी वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बता देंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप डाउन फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 3 मीटर। यानी ये जो है ये 24 मीटर है और इस पर जो परपेंडिकुलर है, एक की हाइट 13 मीटर और एक की हाइट 8 मीटर, इसका टोटल एरिया बताना है आपको। क्या बता सकते हो ये क्या शेप है, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये ट्रेपेजियम भी नहीं है, ये रेक्टेंगल भी नहीं है, ये स्क्वायर भी नहीं है, ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। तो हमको लेकिन एक चीज नजर आ रही है कि इसमें हमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को दो
ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल यहां बन रहा है, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया हमको निकालना आता है, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल का एरिया निकाल कर उनको आपस में ऐड कर देंगे तो ये टोटल फिगर का एरिया निकल आएगा, ठीक है। आगे का बात समझ में, चलो देखते क्या दिया हुआ है। देखो इनको लिख, इनके नापाले इनको लेबलिंग कर लेते हैं, ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में सबसे पहले क्या ऐसा लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे बताओ, क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, वन अपॉन टू बी इंटू एच, ठीक है। वन अपॉन टू बी कितना है 24, एच कितना है 13, ये हो गया 12, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बताओगे, और तब तक पे निकालती हूँ दूसरे का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, वन अपॉन टू बी इंटू एच, वन अपॉन टू हो गया और बी इंटू एच कितना हो गया, बी क्या है बेस, यहां भी 24 रहेगा और हाइट यहां पर 8 रहेगी, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया, 4 4 16 और 4 2 8 और 1 9, तो क्या आ गया 96 इसका आ गया, और इसका कितना आया जल्दी से बता दो, बोलो भाई जल्दी फटाफट से करो, चलिए 12 इंटू 13 करेंगे, 2 3 जा 6 नहीं 12 3 जा 36 और 12 1 जा 12 13 14 15, ये आ गया आपका 156। अब लिखेंगे टोटल एरिया, 156 प्लस 96 क्या हो जाएगा, 6 दुनी 12 और 15 और ये 2, 252 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया टोटल निकल कर इस पूरे फिगर का, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। इतना ही रहने देते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 4 तक एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कोई भी नहीं भूलेगा। वीडियो के लास्ट में बिल्कुल मैंने सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप एंड तक देख रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप श्वेता क्लासेस डालेंगे यूट्यूब पर, श्वेता क्लासेस डालेंगे तो एक लोगो आपको नजर आएगा जो स्टार्टिंग में है, वीडियो के स्टार्टिंग में, उस लोगो पर भी क्लिक करके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, ठीक है। लेकिन कमेंट कर एक बार ये जरूर बताएंगे कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। आपकी जो वीडियो की टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूं कि 1:30 PM पर डेली मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, और ये जो आपका सेशन है ये कंटिन्यू चल रहा है, काफी महीनों से चल रहा है, इससे पहले क्लास 5, देन क्लास 6, देन क्लास 7 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ कोई डाउट है या आपके घर में इन तीनों क्लास में से किसी क्लास में कोई बच्चा है तो आप लोग वीडियोज को देखकर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हो एक बार, यानी अगर किसी कंसेप्ट में आपको डाउट है तो वो कंसेप्ट आप क्लास 5 की वीडियो से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जो क्लास 5 की वीडियो मैंने बनाई है वो टोटल कंसेप्ट बेस्ड, ठीक। तो जैसी भी आपकी प्रॉब्लम है सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको इस चैनल पर, क्योंकि ये चैनल केवल आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। चलो कल मिलते हैं फिर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।